हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक फैंटेसी चाइनीज ड्रामा द लास्ट इमॉर्टल के एक्सप्लेनेशन को लेकर आई हूँ। ये एक फैंटेसी ड्रामा है। अगर आप चाइनीज फैंटेसी ड्रामा से यूज हो तो ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आप इस जॉनर में नए हो और कुछ समझ नहीं आ रहा तो भी लेट अस नो, तो मैं कैसे वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें इन चाइनीज फैंटेसी ड्रामास के बारे में डिटेल में बताया जाए। तो जल्दी से ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा शुरू होते ही हमें एक पहाड़ी टाइप की जगह पर ले जाया जाता है जो किसी तरह का रियल्म है। वहाँ दो लोग मौजूद थे जिनमें से एक बच्चा था और कुछ गुनगुना रहा था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम आयन होता है। वो इस बच्चे से पूछती है कि ये तुम कौन सा गाना गा रहे हो। तभी वो दूसरा लड़का जो यहीं मौजूद था, उसका नाम शू यान है, वो यन को बोलता है कि मैंने तुम्हें मोटर वर्ल्ड में अभी कुछ 17-18 साल पहले ही तो न्यू लाइफ दी थी जिसमें मैंने तुम्हें प्रिंसेस बनाकर पैदा करा था। ये जिंदगी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? इंपीरियल पावर भी क्या तुम्हारा बैड लक से पीछा नहीं छुड़वा पाई? आयन शोयान को बोलती है कि तुमने ये तो कहा था कि मुझे मोटर वर्ल्ड भेजने से पहले मुझे इस बार अच्छी और लंबी जिंदगी मिलेगी, लेकिन मोटर वर्ल्ड में तो मेरे सगे भाई ने ही पावर के लालच में चलते मुझे मार डाला। शुयान का काम लोगों के रीइंकार्नेशंस को देखना होता है, यानी उनको दोबारा पैदा करना। यिन का फिर से दोबारा पैदा होने का वक्त आ चुका था। वो शुयान से पूछती है कि ये रास्ता मैं अब तक 20 बार तय कर चुकी हूँ, ये सब कुछ मुझे और कितनी बार करना पड़ेगा? असल में दोबारा पैदा होने के लिए यहाँ से किसी पोर्टल में डाला जाता है जो रास्ता खत्म हो जाने के बाद यिन एक न्यू लाइफ में पैदा हो रही थी। यिन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये बात हमें अभी नहीं पता, शायद बाद में पता चल जाए। वहाँ एक पोर्टल बनता है जिसमें से एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम युवान चिन होता है। ये लड़का यहीं आ रहा था और सैड सा नजर आ रहा था। उसे देख यिन भी यही सवाल करती है शुयान से कि आखिर ये आदमी है कौन और ये इतना दुखी क्यों है। वहाँ जो बच्चा मौजूद था गुनगुना रहा था। वो बताता है कि उसने सुना था कि हजारों साल पहले एक फीमेल इमोर्टल थी जिसे ये पोर्टल से दिख रहा आदमी युवान चिन प्यार करता था, पर वो इमोर्टल लड़की फॉक्स किंग के प्यार में पड़ गई। उसने फॉक्स किंग की मदद की इमोर्टल रेल्म में लगे स्पिरिट माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने में, जिससे इमोर्टल्स और डीमन के बीच की वॉर का आगाज हुआ। वहाँ वॉर में सब आर्मीज के सामने इस पोर्टल में दिख रहे युवान चिन ने उस फीमेल इमोर्टल को जिसे वो प्यार करता था अपने मैजिकल वेपन से मार डाला। उस दिन के बाद से युवान चिन हर साल यहाँ पर आता है देखने के लिए कि अगर उसे ये लड़की की बची कुची थोड़ी सी भी स्पिरिट मिल जाए। यिन ये सब सुनकर कहने लगती है कि एक तो युवान चिन ने उस फीमेल इमोर्टल को मार डाला और अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। शुयान कहता है कि युवान चिन सिर्फ दिमागी सुकून हासिल करना चाहता है और कुछ नहीं है। यिन कहती है कि अगर मैं वो फीमेल इमोर्टल होती तो मैं उसे जिंदा या मुर्दा कभी भी नहीं देखना चाहती। वो जाने लगती है पर फिर पीछे पलट कर पूछती है कि इस स्टोरी में जिस फीमेल इमोर्टल की बात हो रही थी आखिर उसका नाम क्या है। शुयान बताता है कि उस लड़की का नाम आयन है। यिन बोलती है कि मेरा नहीं, उस लड़की का नाम क्या है। इतने में वो लड़का भी पोर्टल से यहाँ आ जाता है जब तक शुयान अपने फैंसी मैजिक करके यिन को खाई से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद यिन की न्यू लाइफ शुरू हो जाएगी। जब वो गिर रही होती है तो शुयान अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए कहता है कि उस लड़की का नाम आयन है। युवान जी अब यहाँ आ जाता है जो आयन को गिरता देख शुयान से पूछता है कि वो आयन है ना। शुयान बोलता है कि इस वर्ल्ड में कोई आयन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम्हें तो याद ही होगा तुम्हारी स्पिरिट स्वॉर्ड एक सुप्रीम वेपन है, उससे मरने के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है। तुम्हारे दिमाग में बस हेलुसिनेशंस चल रहे हैं। आई होप ये सब सुनकर गाइस आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि युवान चिन और आयन दोनों का साथ में पास्ट में कुछ ना कुछ कनेक्शन रह चुका है। आयन को कुछ याद नहीं है और युवान चिन उसे मार दिया था लेकिन अब तक उसे प्यार करता है। ये सब जानने के लिए जो हमें हजार साल पीछे लेकर जाता है, दिखाया जाता है वोतुंग आइलैंड नाम की जगह को जो इमोर्टल रेल्म में है। इस जगह कुछ लोग मैजिक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर से एक सफेद बर्ड जो साइज में काफी बड़ी थी गुजरती है। वो बर्ड अब एक पहाड़ के पास जाकर रुकती है और इंसानी फॉर्म में आ जाती है। ये हेवनली एम्प्रेस थी जिनका नाम फंग युवान होता है। इसकी रियल फॉर्म एक फोनिक्स की होती है। इस पहाड़ पर जादुई पोर्टल बना हुआ था जिसे देख एम्प्रेस कहती है, बेटा तुम 100 सालों से यहीं हो,
तुम्हारे यहाँ से बाहर आने का वक्त हो चुका है। तो ये जो एम्प्रेस है उसका नाम फंग युआन है, लेकिन हम उसे एम्प्रेस ही कहकर बुलाएंगे ताकि कोई ज्यादा नाम में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ जैसे ये एम्प्रेस ही कहती है तो इतने में एम्प्रेस के पीछे वुतंग आइलैंड के सभी लोग आकर खड़े हो जाते हैं और रिस्पेक्ट से ग्रीट करते हैं। एम्प्रेस उन्हें बताती है कि पोर्टल से उसकी बेटी यानी फायर फिनिक्स के बाहर आने का वक्त हो चुका है, वो बस कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएगी। एम्प्रेस इन्हें कहती है कि जाओ और हर जगह बता दो कि आज हम जश्न मनाएंगे जिसमें सबको दावत दी जाती है। ये लेटर उड़ उड़ कर हर जगह पहुंच जाता है। अब डेज माउंटेन नामी एक जगह को दिखाते हैं, ये भी मोटर ड्रैन के अंदर ही है। ये लेटर डेज माउंटेन के लीडर, जिसे हम डेज माउंटेन का चीफ भी बुलाएंगे, उनको रिसीव होता है, जिसमें वुतंग आइलैंड ने इन लोगों को भी फायर फिनिक्स के बर्थडे में इनवाइट करा था। चीफ लेटर को देखकर कहते हैं कि हम इस फायर फिनिक्स के बर्थडे बैंकवेट में गोजिन को भेजेंगे, वो एम्प्रेस का पुराना दोस्त है। पर चीफ को एक दूसरा स्टूडेंट आकर बताता है कि इन्हें गोजिन कहीं मिल नहीं रहा, मगर उसे ढूंढने के लिए लोगों को भिजवा दिया गया है। वहीं अब हमें इमोर्टल रैम के एक शराब खाने को दिखाया जाता है, जहां एक कीमती वाइन के लिए बोली लगाई जा रही थी। इस जगह कई इमोर्टल्स आए हुए थे, उनमें से एक लड़का जो वान ई आइलैंड से आया था, इसका नाम लिंग फंग होता है, वो वाइन के बदले सेक टॉर्टाइस ऑफर करता है, जिसे खाने से लंबी जिंदगी मिलती है। वहीं गुर्जन खुद की 200 साल की कल्टिवेशन ही ऑफर कर देता है। गुर्जन वही लड़का है जिसे डेज माउंटेन के चीफ ढूंढ रहे हैं और फायर फिनिक्स के बर्थडे में भिजवाना चाहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि गुर्जन शुरू में दिखाया जाने वाला युवान चिन ही है, पर अभी वो गुर्जन के नाम से रह रहा है, किसी को भी उसकी असली आइडेंटिटी का नहीं पता है। अब यहाँ गुर्जन ने अपनी 200 साल की कल्टिवेशन दांव पर लगा दी थी एक वाइन को लेने के लिए। तो लिंगफंग नामी जो दूसरा डिसाइपल होता है वनी आइलैंड से, वो इस पर काफ़ी शोर कर रहा होता है कि वो वाइन के लिए अपनी पूरी कल्टिवेशन बेच आया। लेकिन फिर वहाँ एक डेज माउंटेन का डिसाइपल आकर गुर्जन को लेकर जाता है। अब गुर्जन और ये डिसाइपल डेज माउंटेन पहुँच जाते हैं। डेज माउंटेन के जो चीफ होते हैं वो गुर्जन को दो और डिसाइपल्स के साथ फायर फिनिक्स के बर्थडे में जाने को बोलते हैं। वो उन्हें बर्थडे में जाने के लिए एक जादुई कैरेज भी देते हैं जो हवा में चलता है। गुर्जन और वो दो डिसाइपल्स यहाँ से पालकी में बैठकर बर्थडे बैंकवेट में निकल जाते हैं। बर्थडे बैंकवेट में जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। गुर्जन के साथ आया एक डिसाइपल का नाम चिंगी होता है, जो अमी नया नया ही इमोर्टल बना था, इसीलिए चीफ ने उसे गुर्जन के साथ भेजा है ताकि ये भी देखा है कि इमोर्टल बनने के कितने पर्क्स होते हैं। चिंगी अभी एक टीनेजर था, तो दूसरा वाला डिसाइपल उसे कहता है कि तुम बहुत खुश नसीब हो जो हमारे क्लैन के इमोर्टल बने हो। तुम्हें पता है हमारा डेज माउंटेन इमोर्टल्स का सबसे बड़ा सेक्ट है। चिंगी खुश होकर पूछता है कि नंबर वन यानी क्या हम सबसे ज्यादा पावरफुल हैं? जिस पर दूसरा डिसाइपल कहता है कि नहीं नहीं, पूरी वर्ल्ड में सिर्फ एंशिएंट गॉड्स ही सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, हम तो बस इमोर्टल्स हैं। डिटेल में इस बात को समझने के लिए हमें बताया जाता है कि इंसानों की दुनिया के ऊपर और गॉड वर्ल्ड के नीचे तीन लोअर रैम्स होते हैं। एक का नाम द इमोर्टल रैम है, जहाँ ये लोग रहते हैं। इसके अलावा दो और रैम्स हैं, जिनका नाम द डेमन रैम एंड द नीदर रैम है। द गॉड रैम यानी सबसे ऊपर वाली वर्ल्ड, वो जगह है जहाँ ट्रू गॉड्स रहते हैं। ये डिसाइपल चिंगी को बताता है कि हम जैसे इमोर्टल्स वहाँ ऊपर तब तक नहीं जा सकते जब हम एक गॉड ना बन जाए। गॉड वर्ल्ड का गेट सालों से नहीं खुला। चिंगी कहता है कि मुझे तो लगा था इमोर्टल बनना ही बेस्ट चीज होती है, मुझे नहीं पता था कि हम गॉड भी बन सकते हैं। तो क्या इमोर्टल्स गॉड्स के कंट्रोल में होते हैं? बड़ा डिसाइपल बताता है कि इस सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी। तीन रैम्स के अपने रूल्स होते हैं, गॉड वर्ल्ड हमारे मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता। वहीं अब हमें डेज माउंटेन पे वापसी ले जाया जाता है, जहाँ पर वहाँ के चीफ अपने दो खास डिसाइबल्स जो उनके साथ इस जगह को रूल करते हैं उनके साथ बात कर रहा था, जिसे हमें पता चलता है कि गुर्जन असल में दो ट्रू गॉड्स का बेटा है और उसका असल नाम युआन चिन है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इस सच के बारे में इन तीन के अलावा हेवनली एम्प्रेस जानती है। 200 साल पहले डिस्ट्रक्शन ट्रिब्यूशन नाम का कुछ अपियर हो गया था। युआन चिन के फादर ने अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया था। युआन चिन की माँ इस बात से इतनी ज्यादा सेट हो गई थी कि उसने पूरे गॉड रन को सील कर दिया था ताकि युआन चिन के डैड वापस आ सके, लेकिन इससे कुछ नहीं होता और उल्टा इस वजह से युआन चिन इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो अचानक से अपनी सारी पावर्स किसी अननोन रीजन की वजह से खो देता है। तो उसकी माँ ने उसे इमोर्टल वर्ल्ड में भेज दिया है ताकि युआन चिन
वहाँ जाकर कुछ सीखा है। डेज माउंटेन का चीफ अभी अपने साथियों को यही बता रहा था कि फायर फीनिक्स ट्रू गॉड का स्पिरिट बीस्ट है। उसका पैदा होना गुजन एक ही युवान चिन से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने उसे फायर फीनिक्स के बर्थडे में भेजा है। गाइस मैं यहाँ युवान चिन या गुजन बोलूं तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही कैरेक्टर का नाम है। अब फिर से गुजन और उन दो डिसाइपल्स को दिखाते हैं जो पालकी में ट्रेवल कर रहे थे, जहाँ वो डिसाइपल्स अभी गॉड के बारे में बात कर रहे थे। चिंकी बोलता है कि गॉड होने का मतलब दुनिया को बचाना होता है, कितना कूल है ना ये। गुजन बोलता है कि इसमें अच्छा क्या है, वो सब बोरिंग होते हैं। चिंकी को लग रहा था कि गुजन ऐसे गॉड के बारे में बोल रहा है तो जरूर वो गॉड वर्ल्ड में जाकर आया होगा। गुजन कहता है कि उसने बस गैस करा। तभी उनके कैरेज के पीछे लिंगफंग था, वही आदमी जो शराब खाने में वाइन के लिए गुजन से कम्पीट कर रहा था। लिंगफंग अपने दो साथियों के साथ स्क्वाड पे ट्रेवल कर रहा था। उसकी नजर जब गुजन लोगों के कैरेज पर जाती है तो वो कहता है कि गुजन इस कैरेज में बैठने के लायक नहीं है, और इसीलिए वो जादू से घोड़े को छेड़ देता है जिससे कैरेज डिसबैलेंस हो जाता है। वहीं फायर फीनिक्स का बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो चुका था। फायर फीनिक्स के पोर्टल को दिखाते हैं जो इस पोर्टल से बाहर आ जाती है, पर उसकी एंट्री में अभी टाइम था। ये लड़की फायर फीनिक्स इसकी शक्ल आयन से मिल रही थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था। फायर फीनिक्स की एंट्री में क्योंकि अभी टाइम था तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक को यूज करके छोटी सी बर्ड बन जाती है ताकि उड़कर अपने बर्थडे बैंक्वेट में जाकर देख सके कि आखिर चल क्या रहा है। वो लगभग इनविजिबल थी। यहाँ बर्थडे बैंक्वेट में एक औरत हाजिर होती है अपने नेफ्यू के साथ और एम्प्रेस से बोलती है कि क्या मेरे नेफ्यू की खूबसूरत बीवी आ गई। ये औरत फॉक्स क्वीन थी, वो अपने नेफ्यू होंग ई के साथ यहाँ आई थी। फॉक्स क्वीन का नाम होंग रू है, पर लेट्स कॉल हर फॉक्स क्वीन अभी के लिए, नहीं तो वैसे ही बहुत नाम है और कंफ्यूजन हो जाएगा। फॉक्स क्वीन एम्प्रेस की बहुत अच्छी फ्रेंड है। एक बार एम्प्रेस फॉक्स क्वीन से किसी शर्ट में हार गई थी जिसमें ये डिसाइड हुआ था अब एम्प्रेस को अपनी बेटी की शादी फॉक्स क्वीन के नेफ्यू से करवानी होगी। ये सब जस्ट फन वे में ही था। एम्प्रेस काफी अच्छे से फॉक्स क्वीन को ग्रीट कर रही थी, पर वहाँ मौजूद कुछ इमोर्टल्स इस शादी वाली बात से ऑफेंड हो जाते हैं। वो एम्प्रेस को कहने लग जाते हैं कि फायर फीनिक्स एक हाई लेवल की इमोर्टल है, हम उसकी शादी एक डीमन से कैसे करवा सकते हैं। ऐसी बातें सुन होंगी बोल पड़ता है कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी फायर फीनिक्स से शादी करने, मुझे वैसे ही शादी नहीं करनी, और अगर करनी भी पड़ी तो मैं अपने वर्ल्ड की उन लाखों डीमन लड़कियों में से ही किसी एक को चुन लूंगा, मुझे किसी इमोर्टल लड़की से शादी करने का कोई शौक नहीं है। वो फॉक्स क्वीन से भी गुस्सा होता है कि वो इसे यहाँ जबरदस्ती लेकर आई है। वो इमोर्टल वर्ल्ड का भी आना ही नहीं चाहता था, उसे यहाँ के लोग पसंद ही नहीं है। वो फॉक्स क्वीन से कहता है कि अगर वो यहाँ रुकना चाहती है तो रुक जाए, ये तो जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ इमोर्टल वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड अलग अलग है। फॉक्स क्वीन और उनका नेफ्यू डीमन वर्ल्ड से आए हुए हैं, जबकि फायर फीनिक्स और यहाँ मौजूद बाकी सारे लोग इमोर्टल वर्ल्ड से हैं। होंगी बर्थडे बैंक्वेट से बाहर चला गया था, जहाँ फॉक्स क्वीन भी उसके पास जाकर उसे समझाती है और कहती है कि भले ही तुम्हें शादी नहीं करनी, पर कम से कम तुम यहाँ मौजूद अपने हम उम्र लोगों से दोस्ती तो कर ही सकते हो। होंगी को इमोर्टल रैंड पे घूमने और यहाँ के लोगों से दोस्ती करने का कोई शौक नहीं था। तभी आसमान से गुजन वाला कैरेज गिरने लगता है जिसे होंगी रोक लेता है, पर गुजन और उसके दो साथी फिर भी नीचे गिर जाते हैं। होंगी ये देख के और इरिटेट हो जाता है कि आखिर ये इमोर्टल्स कितने अजीब है। लिंगफंग जिसने गुजन के कैरेज को डिसबैलेंस करा था वो अभी गुजन से पंगा लेने के मूड में था, पर गुजन इस बार उसी पर ट्रिक यूज करता है जिसकी वजह से लिंगफंग घिर जाता है। यहाँ एम्प्रेस और सब इमोर्टल्स भी ये सब तमाशा देखने के बाद फिर से बर्थडे बैंक्वेट में चले जाते हैं। यहाँ किसी पीकॉकिंग वोमु और उनकी बेटी प्रिंसेस हुआशु की एंट्री होती है। ये लोग सेकंड क्लास इमोर्टल है, फायर फीनिक्स और एम्प्रेस वगैरह फर्स्ट क्लास इमोर्टल। हुआशु की लड़के काफी तारीफें कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और अच्छी दिखाई देती है, पर लड़कियां उसके बारे में कहने लगती है कि ये तो एरोगेंट सी लड़की है। अभी फायर फीनिक्स को बाहर आने दो, देखना वो इससे ज्यादा अच्छी होगी। तभी हमें फायर फीनिक्स को भी दिखाते हैं जो अभी भी बर्ड बनी हुई है, सब कुछ नोटिस कर रही है, पर उसकी माँ यानी एम्प्रेस उसे देख लेती है और फिर दोनों बैंक्वेट के बाहर जाकर मिलते हैं। फायर फीनिक्स अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और एम्प्रेस से बात करती है। एम्प्रेस उसे डांट रही होती है कि तुम वक्त से पहले पोर्टल से बाहर क्यों आ गई हो, जिस पर फायर फीनिक्स बोलती है कि मैं देखना चाहती थी कि यहाँ कौन कौन आया है। वो एम्प्रेस को ये भी बताती है कि मैं क्वीन बनने से पहले सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, उसके बाद ही थ्रोन के लिए फाइट करूंगी। जिस पर एम्प्रेस बताती है कि वैसे भी थ्रोन पर बैठने वाले हर एक फायर फीनिक्स को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है। एम्प्रेस वहां से चली जाती है और फायर फीनिक्स भी अपने पोर्टल के अंदर जा रही थी।
तभी उस तरफ लिंगफंग अपनी मंगेतर से बात कर रहा था। उसकी मंगेतर गुस्सा थी कि उसने अब तक इसके पेरेंट्स से शादी की बात नहीं की है। कहीं वो हुआ शु या फायर फिनिक्स से शादी करने के मूड में तो नहीं है। वो लिंगफंग को आगाह करती है कि ना तो हुआ शु ना ही फायर फिनिक्स उसमें इंटरेस्ट लेगी, क्योंकि फायर फिनिक्स के लायक अगर कोई सूटेबल दूल्हा है तो वो सिर्फ युवान चिन ही हो सकता है, क्योंकि उसी का स्टेटस हाईएस्ट है। जिस पर लिंगफंग बोलने लगता है कि युवान चिन का सिर्फ बैकग्राउंड ही तो अच्छा है, बाकी चीज़ों में वो हमसे अच्छा नहीं होगा। और तो मैंने सुना है कि उसकी माँ का अफेयर एक लोअर वर्ल्ड के इमोर्टल के साथ चला था और युवान चिन उन्हीं का बेटा है, यानी वो अपने बाप का नाजायज बेटा है। इसीलिए जब ये बात युवान चिन के पापा को पता चली तो उन्होंने दुनिया में तबाही मचा कर सुसाइड कर ली। लिंगफंग की मगेतर उसे कंटिन्यूसली चुप होने को कह रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कोई ये सुन ना ले। ये सब कुछ सुनना भी तो किसने? गु चिन ने, जो असलियत में युवान चिन है। वो सुनते ही गुस्सा हो गया और आकर लिंगफंग को मुक्के मारने लगता है। लिंगफंग भी बदले में गु चिन को दो चार और मुक्के मार देता है और फिर इनके बीच लड़ाई होने लगती है। गु चिन की स्पिरिट पावर बहुत कमजोर है, इसलिए वो हार जाता है और लिंगफंग गु चिन की मेमोरी इरेज करने लगता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गु चिन किसी को जाकर ये बात बता ना दे कि लिंगफंग टू गॉड्स के बारे में ऐसी बातें कर रहा था। लिंगफंग की मंगेतर लिंगफंग को ये मेमोरी इरेज करने वाला मैजिक करने से मना करती है, क्योंकि ये जादू सिर्फ सीनियर इमोर्टल्स ही कर सकते थे और लिंगफंग तो अभी एक जूनियर इमोर्टल भी नहीं बना था। अगर वो स्टिल ही मैजिक परफॉर्म करने की कोशिश करेगा तो गु चिन की जान भी जा सकती है। लेकिन लिंगफंग कॉन्फिडेंट था कि कुछ भी नहीं होगा, उसने अपने पापा को ये मैजिक करते देखा था। लेकिन ये सब कुछ फायर फिनिक्स भी एक दीवार के पीछे खड़ी देख रही थी और सुन रही थी। वो दीवार के पीछे से ही जादू करके लिंगफंग का जादू गु चिन के ऊपर से जो वो अटैक कर रहा था उसको छुड़वाती है। जादू के असर की वजह से लिंगफंग खुद को थप्पड़ मारने लग जाता है। फिर फायर फिनिक्स दीवार के पीछे से छुपी हुई थी, उसका सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा नजर आ रहा था, उसका ड्रेस रेड कलर का था। लिंगफंग की मंगेतर लिंगफंग को बोलती है कि माफी मांग लो, ये रेड ड्रेस में है, जरूर प्रिंसेस वाश होगी। लिंगफंग फौरन माफी मांग लेता है तो फायर फिनिक्स उसे छोड़ देती है। वहीं से हुआशु भी गुजर रही थी, जिसने क्लियरली देखा था कि ये जादू कोई और कर रहा था, किसी और ने गु चिन को बचाया था। फिर भी जब वहां से लिंगफंग और उसकी मंगेतर चले जाते हैं और फायर फिनिक्स भी चली जाती है, तो गु चिन को भी लग रहा था कि उसे हुआशु ने बचाया है। वहां से हुआशु अपनी मेट के साथ गुजर रही थी, तभी उसे गु चिन आकर रोक लेता है और पूछता है कि क्या आपने मेरी जान बचाई। हुआशु यहाँ सच बोलने की जगह कहती है उसने बस एक छोटी सी मदद तो की है। बिना कुछ करे ही वो महान बनना चाह रही थी। सारा फायर फिनिक्स का क्रेडिट हुआशु ने खुद ही ले लिया है। वो अपना रुमाल भी देती है गु चिन को, कहती है कि वो अपना चेहरा साफ कर सकता है, उसके चेहरे पर निशान लगा हुआ है। गु चिन खुश हो जाता है। वो पूछता है हुआशु से कि तुम्हें जो भी चाहिए बोलो, मैं ले आऊंगा। हुआशु की मेट गु चिन को बताती है कि हुआशु को फिनिक्स चीज चाहिए जो फायर फिनिक्स के पोर्टल में उसके पास होगा। हुआशु ऐड करते हुए कहती है कि उसे बस उस जेड को एक बार देखना है। गु चिन कहता है कि फिर तो वो जरूर उसे वो फायर फिनिक्स जेड लाकर देगा। गु चिन पोर्टल के पास जाता है जहाँ फायर फिनिक्स रहती है। उस जगह ज़ोइंग नाम का एक डेविल भी मौजूद था जो उस पोर्टल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसे वो पोर्टल नहीं टूटता। ज़ोइंग को भी फायर फिनिक्स के पास से फायर फिनिक्स जेड चाहिए था। उससे ये जेड उसकी मालकिन ने मंगवाया है जो इस वक्त एबिसल प्रिजन में कैद है। गु चिन को तो ज़ोइंग नहीं दिखता, पर ज़ोइंग को गु चिन जरूर दिख जाता है। गु चिन का खून जब पोर्टल पे लगता है तो वो पोर्टल हल्का सा खुल जाता है और अचानक उसे समझ नहीं आता कि हुआ क्या, वो अपने आप ही पोर्टल की तरफ खींचा चला जाता है, जैसे कोई उसे पोर्टल की तरफ पुल कर रहा हो। वो जादुई रस्सी की मदद से वापस पोर्टल से दूर जाने की बहुत कोशिश करता है, पर ज़ोइंग अपने मैजिकल व्हील से वो रस्सी तोड़ देता है, जिस वजह से गु चिन सीधा पोर्टल के पास पहुंच जाता है। पोर्टल में से फायर फिनिक्स हल्की हल्की नजर आ रही होती है हमें। उसकी सारी स्पिरिट एनर्जी निकलकर गु चिन के अंदर चली जाती है और ऐसे ही फायर फिनिक्स पूरी तरह से गायब हो जाती है। इन सब के बारे में भी एम्प्रेस और बाकी सारे लोग जो बैंक्वेट में मौजूद थे सबको पता चल जाता है, इसीलिए सब लोग बाहर आ जाते हैं। सब शॉक थे और गु चिन पर गुस्सा हो रहे थे। गु चिन भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या गया। एम्प्रेस बहुत सैड थी, वो एक मैजिक से फायर फिनिक्स को ढूंढने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि फायर फिनिक्स की सोल का ट्रेस पूरे तीन रियल्स में कहीं भी नहीं है। सब लोग गुस्सा थे गु चिन पर और कहने लगते हैं कि गु चिन को सजा मिलनी चाहिए। हजारों सालों में एक ही फायर फिनिक्स पैदा होता है,
गुजिन ने उसे ही मार डाला। गुजिन भी नीचे बैठकर कहने लगता है कि वो कोई भी सजा एक्सेप्ट कर लेगा। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दैट्स इट गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आगे के एपिसोड भी इसी तरह डिटेल में देखना चाहते हो तो हमें ज़रूर बताना ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोज़ को ला सकें। अगर शॉर्ट रिकैप्स पसंद हो तो वो भी बता देना, फिर उस हिसाब से हम वीडियोज़ बनाएंगे। जाने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू सी मोर वीडियोज लाइक दिस। गुड बाय।